चांदनी चौक की परांठे वाली गली सही है, लेकिन आप परांठे खा रहे हो यहाँ पर और आप रोज खाते हो, तो आपको क्या लग रहा है कि रोज खाने लायक है ये परांठे? कैसा एक्सपीरियंस रहा आप बताएंगे कुछ? बहुत टेस्टी है। कोटा राजस्थान से दिल्ली घूमने के लिए आए हैं और ये कह रहे हैं कि हम एक बार आए थे और उसका जुबान पर अभी तक स्वाद है और इसलिए स्वाद बेहतरीन है, बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आया, बहुत अच्छा। फ्रेंड्स, हाउ टू रीच परांठे वाली गली, आई हैव एक्सप्लेन द होल इन्फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द वीडियो, सो वॉच टिल द एंड। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनते नहीं, वो तो सही है, लेकिन आप परांठे खा रहे हो यहाँ पर और आप रोज खाते हो, तो आपको क्या लग रहा है कि रोज खाने लायक है ये परांठे? हम कभी तो रोज खा रहे हैं। तो आप लोग परांठे यहाँ पर रोज खाते हैं? कभी पहली बार आया है खाने या पहले भी कभी खाए हैं? हम लोग चंडीगढ़ से आए हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम आए खाने। अच्छा, मतलब आपने सुना होगा परांठे वाली गली है दिल्ली में चांदनी चौक में, तो आपको वहाँ पर जाना चाहिए। तो ये भी दिल्ली में घूमने का आपके लिए एक एक्सपीरियंस है कि परांठे वाली गली के आपने परांठे खाए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आप बताएंगे कुछ? बहुत टेस्टी है, बिल्कुल डिफरेंट है। मैं देख रही हूँ तल के बनाए जा रहे हैं, जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं इस तरह परांठे बनाए जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो आप चंडीगढ़ जाके बताएंगे कि जब परांठे वाली गली के जरूर परांठे खाकर आए, है ना? तो हमारी दिल्ली की थोड़ी सी तारीफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये दिल्ली हमारी जो है परांठे वाली गली के नाम से बहुत फेमस है। थैंक यू। और ये देखिए, इस तरह यहाँ पर परांठे बिल्कुल चकाचक खाकर जा रहे हैं, प्लेटें साफ करके। और ये सब दोस्त हैं और जो कि कोटा राजस्थान से दिल्ली घूमने के लिए आए हैं और ये कह रहे हैं कि हम एक बार आए थे और उसका जुबान पर अभी तक स्वाद है और इसलिए दोबारा आए हैं। और ये देखिए, इनकी प्लेटें तैयार हैं खाने के लिए। और आप भी कोटा राजस्थान से हैं? हाँ। तो इनके कहने से आप यहाँ पर आई हैं, अब एक्सपीरियंस जो भी रहेगा वो सब सेहरा इनके ऊपर जाता है, तो आपको क्या लगता है कि कैसा रहेगा एक्सपीरियंस? अच्छा ही रहेगा एक्सपीरियंस, ये सेकंड टाइम विजिट कर रहे हैं और हम तो बहुत एक्साइटेड है कि जल्दी आए पराठा, ट्राई करना है। सो स्वीट। इनके सेकंड एक्सपीरियंस के बारे में, आपके साथ जो नए दोस्त आए हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। और ये आ गए हैं परांठे, ये देखिए किस चीज के परांठे हैं ये? और ये पनीर के हैं। साइज तो बिल्कुल पूरी से थोड़ा सा बड़ा है इनका, और इनको बनाया भी ऑलमोस्ट पूरी की तरह है। और अब ये खाकर बताएंगे कि कैसा है, एक्सपीरियंस जरूर चाहिएगा क्योंकि तभी लोग खाएंगे। और बिल्कुल सही सही एक्सपीरियंस बताइएगा, बिल्कुल टेस्ट जैसा लगा आपको। आप भी खाइए, कोई और भी खाइए, सब जने एक एक बाइट खाइए, एक्सपीरियंस बताइए। नाइस, अमेजिंग। उनकी तो शक्ल ही बता रही है कि परांठे का स्वाद बेहतरीन है, बहुत बढ़िया लग रहा है इनको भी। अच्छा लगा, मतलब अंदर जाकर कुछ खटका सा हुआ। मम्मी बनाती है उससे अच्छा है। और इन्होंने खाया, आपको कैसा लगा, मजा आया? दोबारा आएंगी? दिल्ली आए तो दोबारा आएंगे, दिल्ली आए तो परांठे खाने परांठे वाली गली में दोबारा आएंगे, सिर्फ परांठे खाने दिल्ली आएंगे, तो दिल्ली तो दिल वालों के लिए आपको आना ही होगा। बहुत अच्छा, इस दुकान का नाम है अच्छा, और बहुत फेमस दुकान है, जो भी यहाँ पर आ रहा है परांठे खा रहे हैं बहुत खुश है, बहुत खुश। और कुछ लोग तो ऐसे हैं
पराठे खाने दिल्ली से बाहर से यहाँ पर आए हैं और ये खटाखट यहाँ पर पराठे बनाए जाते हैं। ये भी परांठे परांठे बन रहे, पूरियां परांठे ही बन रहे हैं और ये इतनी तरह के परांठे बन रहे हैं। ये देखिए मटर के हैं, आलू के हैं, मूली के हैं, चीज के भी है, चीज के भी हैं, चीज के हैं, पनीर के और क्या है, आलू दाल बेसन मेथी गोभी मूली मटर पापड़ गाजर परत मिक्स पुदीना नींबू भैया मैं तो करेला टमाटर मतलब कोई चीज नहीं छोड़ी इन्होंने, यहाँ तक कि इन्होंने बादाम काजू भी नहीं छोड़ा, किशमिश रबड़ी खुचन केला, केले का परांठा, खोया का परांठा और हींग का परांठा, बापरे तो इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। ये तो परांठे का भी परांठा बना देंगे और इतना मोटा सा बेलन है और ये खटाखट बेल रहे हैं इससे और जो भी डिमांड करेगा कस्टमर वही चीज इसके अंदर भर देंगे और ये बनते ऐसे हैं। ये देखिए ये ऐसे लगते हैं, भीड़ तो देखिए इतनी भीड़ है यहाँ पर, एट ए टाइम ऐसे भीड़ रहती है, ऐसे ही भीड़ रहती है यहाँ पर नहीं। तो कम हो जाएगा फिर करोना चल रही है इसलिए तो इतने लोग यहाँ पर, और लस्सी भी मिल रही है यहाँ पर है ना, लस्सी भी मिल रही है कुल्हड़ में लस्सी, और ये देखिए पी रहे हैं लस्सी कुल्हड़ में। दौलत की चाट चांदनी चौक पुरानी दिल्ली की स्पेशल दौलत की चाट, और ये कितने रुपए का पत्ता देते हो भैया, 80 रुपए का पत्ता देते हैं, और ये बनती किस चीज से, दूध से, तो दूध को हिलाकर फेंटा जाता है, दूध को हिलाकर फेंटा जाता है, और इसमें चाट में आप ये क्या क्या डालते हैं, खोया डाले, मावा, ये चीनी, मावा और चीनी डालते हैं, और ये दूध को फेंटने के बाद ये इतना सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, ये झाग है एक्चुअली, एक सेकंड के लिए उभार कर दिखा सकते हैं, ये दूध के झाग हैं, ये खाली सॉलिड जो दिखाई दे रहा है ये सॉलिड नहीं है, दूध के झाग हैं, और ऊपर केसर डाल रखा होगा इसमें। कितने का बेचते हो, 20 का, 20 का, 30, ये कितने का है, 20 रुपए का। परांठे वाली गली का शानदार सफ़र अब यहीं पर ही ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर पहुँचा कैसे जा सकता है, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। इसका पूरा रास्ता यहाँ पर किस तरह पहुँचना है, चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पहुँचने के बाद आपको सीधा यहाँ पर किस तरह आना है वो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखिए।
फ्रेंड्स, अगर आपको परांठे वाली गली आना है तो आपको चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। ये सामने गुरुद्वारा सीसगंज दिखाई दे रहा है आपको, गुरुद्वारा सीसगंज जहाँ पर खत्म होता है। ये देखिए, ये वाली बिल्डिंग आती है, इस वाली बिल्डिंग के एकदम सामने ये पतली सी गली है। ये देखिए इंडो वेस्टर्न, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको शेरवानी, इस दुकान के साथ में ये पतली सी गली जा रही है, ये जाती है अंदर परांठे वाली गली को। और इस कंवर जी की दुकान है, आप देख रहे हैं कंवर जी बहुत फेमस है मिठाई वाला। और एक तरफ आपको इंडो वेस्टर्न शेरवानी की दुकान है, और उसके बीच में एकदम पतली सी गली अंदर जा रही है, यही गली आपको अंदर परांठे वाली गली में लेकर जाएगी। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है कंवर जी के एकदम सामने परांठे वाली गली का। यहाँ से ये देखिए बिल्कुल आसानी से आप पहुँच पाएंगे, रास्ता मैं आपको बता रही हूँ। कंवर जी की दुकान आप किसी से भी रिक्शे वाले से भी कहेंगे ना, कंवर जी की दुकान पूछेंगे, कोई भी बता देगा। और उसके साथ से एकदम गली जा रही है परांठे वाली गली।